पता है, आज स्कूल से घर आते समय बहुत अधिक धूल दिखाई दे रही थी, इसके कारण तो मेरे को खांसी भी आने लगी। अरे भैया, वह धूल नहीं, वो तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होगा। लगता है सब एक साथ मिलकर किसी गहन विषय पर बातचीत कर रहे हो बच्चों। जी चाची जी। क्या विषय है तुम लोगों का बच्चों? चाची जी, हम लोग आज आपसे बहुत ही आवश्यक विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं। क्या विषय है बच्चों? चाची जी, आजकल मेरे विद्यालय में मेरे मास्टर जी कहते हैं कि हमारा वातावरण दिन ब दिन दूषित होता चला जा रहा है। क्या ये सच है चाची जी? हाँ बच्चों, यह तो बड़ा ही यथार्थ है कि हमारा वातावरण दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है। बच्चों, इसके कारण तुम लोगों ने भूगोल में पढ़े ही होंगे, और बच्चों इससे बचने के उपाय तो हमें अवश्य ही ढूंढने होंगे। इससे बचने के क्या उपाय हैं? हाँ बच्चों, इससे बचने के उपाय से पहले हमें ये सोचना होगा कि वातावरण हम कहते किसको है। अब बच्चों देखो, ये बड़ा सामान्य सा शब्द है। वातावरण अर्थात जीवों के चारों ओर उपस्थित सभी कारक जो उसे उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वे वातावरण की रचना करते हैं। अब बच्चों देखो, सभी जीव जंतुओं के लिए वातावरण कितना आवश्यक होता है यह भी तुम जानते हो। यदि वातावरण ना हो तो जीव जंतु मर ना जाए। और बच्चों, जीव जंतुओं के रहने के लिए शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है, और यदि संतुलित वातावरण होगा तो जीव जंतु बड़े अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो हमको इनके बचाव के बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए। मैंने भी अपने पुस्तक में पढ़ा है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि और सन्यासी लोग पीपल, तुलसी और केले की पूजा करते थे। हाँ बच्चों, ये उसी समय नहीं, ये तो आज भी पूजा होती है इसकी। तो मैं सर्वप्रथम इसके घटक के विषय में बताती हूँ। ये सर्वप्रथम ये बताती हूँ कि पर्यावरण को बचाने के उपाय क्या क्या है। सर्वप्रथम बच्चों, जो सबसे मुख्य उपाय है वह है लोगों में जागरूकता। समझे करण तुम? जी चाची जी। चाची जी, पर्यावरण की जानकारी तो हमें हो गई और हम जागरूक भी है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ बच्चों देखो, पर्यावरण की जानकारी तो तुम्हें है, यह तो मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल तुम अपने कक्षाओं में भी तो इसके विषय में पढ़ते हो। लेकिन बच्चों, आवश्यकता है हमें प्रकृति प्रेम करने की। यदि हम प्रकृति प्रेम करेंगे तो हम वनों को काटेंगे भी नहीं और उनके बारे में अधिक से अधिक सोचेंगे। तो ये हुआ हमें जागरूक होना और प्रकृति के विषय में उससे प्रेम करना। अच्छा, अब हम समझे, हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए तथा इसे नष्ट करके आगे बढ़ने की नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, और जैसा कि इसने बताया, ईशान ने बताया कि हमने देखा कि पुराने ही समय में नहीं बच्चों, आज भी इन वृक्षों की पूजा होती है। और ये पूजा क्यों होती है बच्चों? क्योंकि पुराने समय से लोग इनके गुणों का ज्ञान रखते थे। और बच्चों, करण तुम्हें समझ में आई है बात? जी चाची जी। चाची जी, पर्यावरण की सुरक्षा के और क्या उपाय हैं? हाँ बच्चों, इनके अन्य कई उपाय हैं। जैसे बच्चों देखो, एक तो मैंने तुम्हें बताया जागरूक होना, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और अन्य उपायों में आता है प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान होना, पर्यावरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण लोगों को देना, शोध एवं अनुसंधान, प्रौद्योगिकी में सुधार, नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो कि सर्व प्रमुख कारण है बच्चों। चाची जी, इन्हें विस्तार से बताइए। हाँ बच्चों देखो, इन्हें विस्तार से जानने के लिए सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि पर्यावरण के विभिन्न घटक क्या क्या हैं। बच्चों देखो, पर्यावरण के घटक अर्थात पर्यावरण में पाई जाने वाली चीजें। अब पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास की वायु, जल, जीव जंतु आदि आदि, ये सभी मिलकर वातावरण की रचना करते हैं। चाची जी, हमारे देश में वन जीवों की सुरक्षा के लिए कोई नियम कानून भी तो बनाए गए हैं। हाँ बच्चों, बहुत अच्छी बात कही है तुम लोगों ने। हमारे देश में बच्चों, जीव जंतुओं को बचाने के लिए और वन संरक्षण के लिए अनेक नियम बने हैं। परंतु बच्चों, तुम जानते हो हमारे देश में इसका पालन नहीं हो रहा है। यदि हम इसका पालन कड़ाई से करेंगे तभी हम अपने वन में हमें अपने वातावरण में संतुलन स्थापित कर पाएंगे और हमारे वन जीवों का अच्छा वातावरण मिलेगा। बच्चों, तुम लोगों ने अपनी पुस्तकों में पढ़ा होगा, यदि हम जंगलों को तेजी से काटेंगे तो क्या होगा बच्चों? वनों जीवों हमारे जानवरों को रहने के स्थान भी नहीं मिलेंगे और वनों का विनाश होता चलेगा। चाची जी, इन सबसे जनसंख्या क्या क्या संबंध है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है ईशान ने। हाँ बच्चों देखो, जनसंख्या का इससे बहुत बड़ा संबंध है। देखो बच्चों, जनसंख्या जब बढ़ती है, तुम्हें पता है उनके इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? वनों का विनाश करते हैं। पढ़ा है ना तुमने? हमें रहने के लिए मकान, फिर अपने घरों के को सजाने के लिए आदि आदि सामान हमें चाहिए, जैसे लकड़ी। लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहाँ से लाते हैं लकड़ी? कारण बताओ।
जंगलों से लाते हैं। अब लकड़ी लाने के लिए हम वनों का विनाश करते हैं, अर्थात हम वनों को तेजी से काटते हैं, तो इस इस्तेमाल से हमारे जंगलों में कमी आ रही है। तो बच्चों, जनसंख्या को अगर हम जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएंगे तभी हमारे वनों का विनाश रुक पाएगा। तो कहने का तात्पर्य शिवांगी बेटा यह है कि यदि हम वनों का विनाश रोकेंगे और हम वातावरण में संतुलन स्थापित करेंगे तभी हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और हम अपने वातावरण को शुद्ध से शुद्ध बना पाएंगे। अच्छा, अब हम समझे हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना चाहिए जिससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से भी बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मनुष्य को होने वाली हानिकारक तकलीफें तथा बीमारियां भी टल जाएंगी, कम भी हो जाएंगी। वनों का की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे किसको फायदा होगा? हमी लोगों को तो फायदा होगा, जीव जंतुओं को फायदा होगा, और इसके फायदा होने से हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। जी सर। जी, अगली बार जब मैं आऊंगी तो मिलूंगी और तुमसे पूछूंगी क्या प्रभाव हुआ। मुझे अब कुछ पौधे लेना जाना है, मैं चलती हूँ बच्चों।